ओके हेलो गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल ओके साइंस एकेडमी तो आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल ओके साइंस एकेडमी पे आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग होली के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि अब आपका जो है होली भी है कुछ शहरों में जो है कल होली है तो कुछ में क्या है परसों होली है तो आई होप कि आप लोग जो है आप लोग की छुट्टी हो चुकी होगी और आप लोग जो है होली के लिए भी क्या कर रहे होंगे तो वेट कर रहे होंगे देखिए आगे क्या होता है कि आज आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट्स है हम लोग के प्रीवियस वीडियो के ऊपर

क्लास नहीं होगा क्या प्लीज सर बता दीजिए ओके फिर उसके बाद एट दी रेट रिंकी देवी का भी कमेंट है सर बताइए प्लीज आज क्लास होगा कि नहीं तो मैं जो भी बच्चे उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो फ्राइडे होता है जो फ्राइडे होता है उस डे पे हम लोग की क्लासेस बंद रहती है क्लोज रहती है बस में तो जो भी स्टूडेंट है जिनको नहीं ये पता है मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग वेट कर रहे होंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में अगर जिस दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी ना उस दिन आपका शेड्यूल नहीं लगा होगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्लासेज का और अगर जिस दिन क्लासेज होंगी उस दिन आपका नहीं होंगी नोटिफिकेशन नहीं आएगा नहीं मिलेगा वैसे मैं बता देता हूँ कि फ्राइडे को जो होती है हमारी जो क्लासेज होती है वो क्या होती है बंद रहती है क्लोज रहती है ठीक तो है ध्यान से देखिएगा तो जितने भी फ्राइडे हैं उस दिन हम लोग का क्लासेज नहीं चलता है क्लोज रहता है ठीक है ओके चलिए पता नहीं रिंकी देवी कौन है पर यहाँ पे है एट दी रेट रिंकी देवी इन्होंने कमेंट किया कि सर बताइए प्लीज आज क्लास होगा कि नहीं तो हमारी कोई स्टूडेंट होंगी जो ज्वाइन करती होंगी तो होंगी कोई रिंकी देवी ठीक है चलिए अभी कमेंट सेक्शन में तो को, 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 नहीं दिख रहा है कहीं पे ओके चलिए बिल्कुल राहुल ठीक है अब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है वेट करते रहते हैं तो इसलिए मैं पहले ही सारे स्टूडेंट्स को बता देना चाह रहा हूँ क्या एक्चुअली में क्या है कि जो फ्राइडे है उस दिन आपकी क्लासेस क्लोज रहती हैं ठीक है मंडे से लेके आपका थर्सडे चलेगा एंड देन सैटरडे से जो है आप कह सकते हैं कि सैटरडे से थर्सडे तक चलेगा फ्राइडे को आपकी क्लासेस क्या होती हैं बंद रहती हैं ठीक है थीके? तो अगली बार से आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे ताकि आप लोग को ज्यादा वेट ना करना पड़े आप लोग ज्यादा परेशान ना हो तो मैं समझ रहा हूँ इस चीजों को ठीक है तो ये कमेंट्स थी और उसके बाद जो है

कि स्वास्थ्य क्या होता है तो डब्ल्यू एचओ के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य का क्या डेफिनेशन था वो आप लोग को याद होगा देन स्वास्थ्य क्या होता है वो भी आप लोग को याद होगा फिर उसके बाद हम लोग देखे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है जो कि एक चैप्टर ही बना के क्या किया गया आपको पढ़ने के लिए डाल दिया गया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप स्वस्थ होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका समाज स्वस्थ बनता है समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा देश की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया होगी आपका पर्सनल भी ग्रोथ क्या होगा बहुत अच्छा होगा ये सब चीज हम लोगों ने देखा था फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है इसको जो है इसको पाने में क्या क्या समस्याएं आ रही थी और उसके लिए क्या क्या रणनीतियां थी आई होप कि आप लोग को जो है ये सारा कुछ जो है अच्छे से क्या हो गया होगा समझ में आ गया होगा कि इसको पाने में क्या क्या समस्याएं आ, आ रही थी और इसके लिए क्या 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 रणनीतियां थी अब हम लोग आज जो जो है है करने वाले हैं तो अपना जो फिफ्थ टॉपिक जनसंख्या विस्फोट ध्यान से देखेंगे इसमें टोटल ग्यारह टॉपिक्स हैं और इसी के साथ ये चैप्टर क्या होगा खत्म हो जाएगा तो आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे जो हम लोग का जनसंख्या विस्फोट है इसको क्या करें कवर करें और जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या स्थिकरण इससे भी क्या करें आई थिंक दो दो बार ये रिपीट होगी है ठीक है इसे क्या किया जाए कवर किया जाए तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो प्रीवियस हम लोग का वीडियो था उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे ठीक है देखिए ठीक है चलिए देखिए तो मैं आपको क्या करता हूँ अपने तरफ से क्या करता हूँ बता देता हूँ पहले ध्यान से देखना तो आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि जनसंख्या आप लोग एक मिनट के लिए बस वेट करेंगे क्या करेंगे बस एक मिनट के लिए वेट करेंगे चलिए आप सब लोगों का जो है इतने देर तक वेट करने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप सब लोगों ने जो है पेशेंस रख के इतने देर तक वेट किया तो देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये क्या है तो आई थिंक कि आपका कैमरा जो है वो थोड़ा सा भी ब्लर हो रहा होगा क्या हो रहा होगा ब्लर हो रहा होगा और अब ये शायद में भी फोकस हो जाए ठीक है चलिए ध्यान से देखेगा तो क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है इसका नाम क्या है इसका नाम है रिप्रोडक्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एकदम ध्यान से देखेंगे पॉपुलेशन 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 एक्सप्लोजन क्या नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है ध्यान से देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अच्छे से थोड़ा सा साफ क्लियर करके मैं लिख देता हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है देखेंगे। अगर आप को याद होगा तो कल मैंने बताया था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है अगर कम समय के अंदर अचानक से क्या हो कि आबादी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं क्या हो एकदम ध्यान से देखेंगे अगर कम समय के अंदर अचानक से क्या हो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ठीक है ओके आप बढ़ोतरी देखने को मिले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं इस बात को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन विद इन अट टाइम विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम

के बाद क्या होता है Begin.

स्टूडेंट्स हो जाते हैं और जब आप थर्ड डे क्लास जाते हैं तो देखते हैं कि वो हंड्रेड स्टूडेंट 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स हो चुके हैं आरी बस में पहले दिन 50 स्टूडेंट थे सेकेंड डे पे 100 हो गए और थर्ड डे पे वो 100 स्टूडेंट 200 हो गए तो ये अचानक से इतने कम समय के अंदर जो क्या हुआ है पॉपुलेशन बढ़ा है इस का क्या इसके लिए हम लोग ये टर्म यूज कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ही होता है जनसंख्या में विस्फोट होना तो कम समय के अंदर अगर अचानक से आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आई होप कि क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप लोग को वो समझ में आ गया होगा अब क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी के बुक में इस चीज को समझाने के लिए कुछ प्रूफ किया गया है क्या प्रूफ किया गया तो कुछ डेटा दिया गया है जिससे ये प्रूफ होता है कि कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है इंसान की आबादी में किस तरह से विस्फोट हुआ और कैसे इंसान की आबादी बहुत छोटे से समय के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो गई बढ़ गई जैसे कि मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा एकदम ध्यान से देखिएगा हुआ क्या नाइनटीन में 1900 में पूरे विश्व का जो जो जनसंख्या था इंसानों का वो कितना था तो वो था करीब टू बिलियन कितना था टू बिलियन टू बिलियन कितना होता दो सौ करोड़ होता है कितना होता है तो ये दो सौ करोड़ होता है एकदम ध्यान से देखेंगे कल हम लोगों ने अपने क्लास को एक जगह पे छोड़ा था जहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोग को पता है कि अभी हमारी धरती की आबादी यानी कि धरती की आबादी कहने का मतलब हमारी धरती पे जो इंसान की आबादी है वो कितनी है तो कल हम लोगों ने जो है इस क्लास को यहीं पे छोड़ा

तो क्या होता है कि काउंटिंग के अकॉर्डिंग कितना पॉपुलेशन है तो जैसे कि एक बच्चे ने आंसर दिया न्यू हेयर स्टाइल में सर 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन क्या है आपको पता है पहले आपको पता है 1.5 मिलियन कितना होगा आपको नहीं एक डेटा आपको बता देता हूं मैं 1 मिलियन इक्वल टू होता है 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख एक में एक मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख और 1.5 मिलियन का मतलब हुआ करीब करीब 15 लाख कितना हुआ 15 लाख जबकि 1900 में ही हमारे अर्थ का जो पॉपुलेशन था ये कितना था ये 200 करोड़ था हरी में मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूं उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है 30 लाख हरी में तो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूं उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है 30 लाख अकेले तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज होता है तो 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था पूरे विश्व का आबादी था वो दो बिलियन था

दुगना नहीं डेढ़ गुन, गुना 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 ज्यादा बढ़ गया आरी में मैथमेटिकली जो भी होगा तो जहां दो, दो सौ करोड़ और बढ़ना था वहां चार सौ करोड़ बढ़ा आरिवास में उससे भी ज्यादा होगा 400 करोड़ बढ़ा तो ये चीज होता है तो ध्यान से देखिएगा और उसके बाद अभी तो चौकने वाली बात नहीं है चौकोगे तो अब आप लोग सोचोगे तो अब आप लोग हुआ क्या ध्यान से देखना 2011 में जब फिर से एक बार काउंटिंग किया गया तो ये पॉपुलेशन जो 6 बिलियन था 600 करोड़ था 2011 में बढ़ के हो गया 7.2 बिलियन 7.2 बिलियन का मतलब आप लोग समझते हैं कितना होता है 720 करोड़ कितना हो गया 720 करोड़ एकदम ध्यान से देखना 720 करोड़ 7.2 बिलियन 720 करोड़ अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा 720 करोड़ क्या हो गया कितना बढ़ गया तो लगभग लगभग 120 करोड़ आबादी बढ़ गया और कितने दिनों के अंदर बढ़ गया तो ध्यान से देखिएगा ये बस 11 साल में बढ़ गया एकदम ठीक से समझिएगा ये फैक्चुअल डेटा है और इसको इस डेटा को आप अभी याद रखेंगे क्योंकि ये डेटा अगर नहीं याद होगा तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चंस करने वाले क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस करने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे क्या होगा बनेगा ही नहीं तो ये डेटा अच्छे से याद रखेंगे टॉपिक का नाम क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है तो अगर बहुत कम से समय में बहुत छोटे से समय में अचानक से अगर आबादी में बढ़ोतरी हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं

और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला ट्रेंड कब देखने को मिला तो वो देखने को मिला 2011 में 2011 में जब काउंटिंग किया गया तो ये 720 करोड़ हो गया था यानी कि 2000 में 600 करोड़ और उसके बाद 2011 में 720 करोड़ तो सिर्फ 11 साल के अंदर कितना आबादी बढ़ गया सिर्फ 11 साल के अंदर 120 करोड़ लोग बढ़ गए तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर 120 करोड़ 11 साल में बढ़े हैं एकदम ध्यान से देखना 120 करोड़ कितने साल में बढ़े 11 साल में बढ़े हैं तो बताओ तो कि अगर इसी स्पीड, तो स्पीड से बढ़ता रहा तो इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 400 करोड़ बढ़ने में कितना टाइम लगेगा 400 करोड़ बढ़ने में कितना टाइम लगेगा देखो 11 साल में 120 अगले 11 साल में आप ले लो 120 और एक एकदम ध्यान से देखना अगले 11 साल में 120 और और फिर अगले 11 साल में 120 और तो ये हो गए ये हो गए टोटल आपके 480 करोड़ और साल कितना हुआ तो 11 11 22 22 और चौवालीस ही 480 करोड़ हो जाएगा तो जो आबादी बढ़ने में ठीक है क्या हुआ यहाँ पे 100 साल का समय लगा था दो, दो, -दो सौ करोड़ से 600 करोड़ होने में क्या हुआ था 100 साल का समय लगा था यहाँ उससे भी ज्यादा आबादी बस 44 साल में बढ़ जाएगा बस कितने साल में बढ़ जाएगा चौवालीस साल में बढ़ जाएगा फोर्टी फोर में अगर इसी स्पीड से आबादी बढ़ता रहा तो बस में तो ये जो डेटा है ये क्या दिखाता है कि किस तरह से हमारे अर्थ का जो पॉपुलेशन है वो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है हालांकि मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से बता तो दिया कि 11 साल में 120 फिर अगले 11 साल में 120 लेकिन ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है वो क्या होता है जियोमेट्रिक होता है जियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है दुगना होते चला जाता है सीधे जैसे कि इस बार दो है तो अगली बार चार होगा तो अगली बार अब छ नहीं होगा वो अगली बार आठ हो जाएगा और उसके अगली बार वो सोलह हो जाएगा इस तरह से बढ़ता है तो लेकिन फिर भी मैंने इसी तो 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 आबादी बढ़ के हो जाएगा चार करोड़ तो जो दो करोड़ से छह करोड़ पहुंचने में क्या हुआ था सौ साल का समय लगा था यहां उससे ज्यादा आबादी पहुंचने में बस चौवालीस साल का समय लगेगा आरिबस में तो आप देख रहे हो ना कि ये सीधे-सीधे इंडिकेट करता है कि किस तरह से कम समय के अंदर अचानक से क्या हुआ है पॉपुलेशन में ग्रोथ आया है और ये जो ट्रेंड है कम समय के अंदर अचानक से पॉपुलेशन में ग्रोथ आ जाना यही क्या कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है अरिबस में ध्यान से देखेंगे सर सर जी किसी-किसी के घर में तो क्रिकेट की टीम ही होती है

आरी बस में तो ये क्या होता है अमीरी का निशानी होता है, और गरीबी का यहाँ पे तो ये सब जो है साइन है, तो, ये तो, होता ही है तो, एक तो इंडिया में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला क्या इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला ध्यान से सुनना अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आज है आपका तेईस मार्च क्या है आपका आज है तेईस मार्च और आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो आज ही वो दिन है जिस दिन क्या किया गया था भगत सिंह को फांसी दिया गया था आरी में, आज 23 मार्च है, और आज ही दो के आजादी के लिए तो हमारे तो 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 के के देश की आजादी के लिए भगत सिंह को उनके दोस्तों दिया गया था आज ही के दिन तेईस मार्च के दिन ध्यान आपको एक बात बताता हूं कि 1947 में 1947 कौन सा ईयर है तो ये वही ईयर है जब हमारा देश क्या हुआ था आजाद हुआ था तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या किया गया काउंट किया गया पॉपुलेशन कि देश के आजादी के समय हमारे देश की आ, आ, आबादी कितनी है तो उस समय जो आबादी निकली थी जो पॉपुलेशन निकला था वो कितना था 350 मिलियन कितना था 350 मिलियन 350 मिलियन कितना होता है तो ये होता है 35 करोड़ कितना होता है 35 करोड़ एकदम ध्यान से देखेंगे कितना होता है 35 करोड़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या करेंटली आप लोगों को पता है कि अभी हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है अभी हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है तो अभी हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो है 800 करोड़ कितना है 800 करोड़ एकदम ध्यान से देखना 800 करोड़ ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है अभी फिलहाल

तो अब आप सोच सकते हो कि इस आबादी के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है अभी आप देखो कि ठंड नहीं पड़ना बंद हो चुका है आरिबा में मार्च आ चुका है लेकिन अब पहले क्या होता था होली के टाइम हम लोग को याद है कि क्या होता था ठंड लगते रहता था लेकिन अभी जो है सब फैन चला के सो रहे हैं एक्चुअल में फेबरी से ही फैन का यूज करना बहुत लोगों ने क्या किया था शुरू कर दिया था तो ये ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना ये पॉल्यूशन का बढ़ना ये सब देखने को मिल रहा है पानी का कम होना ये सब देखने को मिल रहा है तो ये 2050 तक तो की आबादी बढ़ के कितना हो जाएगा तो ये जो है एक हजार करोड़ हो जाएगा तो हुआ क्या 1947 में यानी कि जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था आजाद हुआ था उस समय जब उस साल में जब क्या किया गया जनगणना करवाया गया तो हमारे इंडिया का हमारे भारत का जो है आबादी कितना मिला 350 मिलियन जो कि 35 करोड़ होता है लेकिन ये जब 2000 ईसवी इस में इसकी काउंटिंग की गई तो ये बढ़ के कितना हो गया था पता है आप लोगों को ये बढ़ के कितना हो गया था ये बढ़ के हो गया था 1.2 बिलियन कितना हो गया था 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़

सर uh, धुंधला आ रहा है कैमरा तो मेरे ख्याल से कैमरा तो अब आपका ठीक हो गया होगा ठीक है ओके ध्यान से देखें कैमरा तो अब आपका क्या हो गया होगा ठीक हो गया होगा ठीक है ठीक है, है, है चलिए देखिए तो ये चीज है कैमरा थोड़ा सा बीच बीच में क्या हो रहा है ब्लर हो जा रहा है चैप्टर कब खत्म होगा तो ये मैंने आप लोग को बताया है कि आप पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे आपके टोटल इलेवन टॉपिक्स है कितने टॉपिक्स है इलेवन टॉपिक्स है ऑलरेडी हम लोग जो है सिक्स वाले को आज क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं तो क्या होगा दो से तीन दिन के अंदर आपका ये चैप्टर क्या होगा खत्म हो जाएगा ठीक है एकदम डिस्कस कर रहे थे कि और उनको, भाग, और उनको उनको उनके दो दोस्तों के साथ जो है फांसी का सजा मिला था तो हुआ क्या था नाइनटीन में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जब पॉपुलेशन काउंट किया गया तो ये कितना मिला तीन मिलियन तीन मिलियन कहने का मतलब क्या पैंतीस करोड़ और उसके बाद हुआ कि जब इसको काउंट किया गया 2000 में और ध्यान देखिएगा तो उस समय जो 2011 काउंटिंग 2011 किया गया तो बिलियन का मतलब 120 करोड़ और आप लोग को पता है करेंटली इंडिया का पॉपुलेशन कितना है तो मुझे तो नहीं पता है कितना है लेकिन इक्कीस या बाईस में जब काउंटिंग हुआ था तब जो है ये कितना आया था यह आया था था आपका 150 करोड़ के 150 करोड़ करोड़ के के आसपास आसपास कितना ये पता होगा कि पहले जो है सबसे populated जो है country किसको बोला गया था चाइना को बोला गया था लेकिन अब चाइना जो है नहीं है अब इंडिया सबसे ज्यादा क्या है वर्ल्ड का पॉपुलेटेड कंट्री है आर्य भाषा में तो ये सब क्या दिखाता है कि ये सब दिखाता है कि किस तरह से एक छोटे से समय के अंदर अचानक से पॉपुलेशन में क्या हुआ आव, क्या हुआ एक्सप्लोजन हुआ किस तरह से पॉपुलेशन में जो है ग्रोथ आया तो बहुत कम समय के अंदर अचानक से क्या होना पॉपुलेशन का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में और यहाँ पे ये सब कुछ डेटा दिया गया है जो कि इस चीज को सपोर्ट करता है कि किस तरह से बहुत छोटे से समय के अंदर बहुत ठीक है एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ 1900 में क्या था 200 करोड़ वर्ल्ड की आबादी 2000 में कितना हो गया 600 करोड़ और 2011 में कितना हो गया 720 करोड़ सारी बस में इंडिया में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला 1948 में 35 करोड़ और 2011 में 120 करोड़ या आबादी पहुंच गई ठीक है आप ध्यान से देखिएगा अब, अब यहाँ पे एक चीज देखा जाता है कि आखिरकार पॉपुलेशन जो इतनी तेजी से ग्रो किया इसके पीछे का कारण क्या है

140 करोड़ चलिए बहुत अच्छी बात है न्यू हेयर स्टाइल राशिदा बेगम बहुत अच्छी बात है क्या आप लोग का ध्यान है ओके 140 करोड़ ओके तो मैं कंफर्म नहीं था 150 करोड़ के आसपास मुझे लग रहा था कि लेकिन ये 140 करोड़ चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए तो आप लोग बताइए तो कि आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे आप लोग को क्या रीजन लग रहा है क्या लग रहा है क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्या क्या रीजन लगता है सबसे पहला रीजन क्या है लोगों के अवेयरनेस में इंक्रीजमेंट आया कि नहीं आया हाँ या ना में आप लोग आंसर दीजिए कि जो जागरूकता था लोग उसमें जो है मतलब उनके जागरूकता में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई तो ध्यान से देखना एक एक चीज को तो लोगों का जो अवेयरनेस था ठीक है ये क्या हुआ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ एकदम गौर से देखिएगा तो अवेयरनेस इंक्रीज होने से कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ गौर से सुनेंगे अब मैं देखता हूं कि गांव में जो जो छोटा बहुत गरीब किस्म का भी जो परिवार होता है जब उसके घर में कोई फैमिली में मेंबर क्या है मतलब कोई प्रेग्नेंट है उसकी वाइफ हो या कोई भी हो तो मैं देखता हूँ कि पहले जो लोग क्या होते थे गांव घर में क्या होती थी एक दाई बुलाया जाता था एक एक्सपीरियंस्ड फीमेल होती थी जिसको मतलब क्या होता था डिलीवरी करवाने का बच्चे को प्रसव करवाने का एक्सपीरियंस होता था लोग उसको बुला लेता था और उससे क्या करता था डिलीवरी करवाता था लेकिन उस दौरान क्या होता था बहुत बार बच्चे का डेथ हो जाता था बहुत बार क्या होता था जो माँ होती थी उसका डेथ हो जाता था

नेस् क्या हुआ है बढ़ा है और कॉमन सी बात है कि जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे उनको अच्छा टेक केयर मिलता है अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जिसके वजह से क्या होता है जो बेबी का डेथ रेट है जो मदर का डेथ रेट है वो क्या होता है गिरता है और कॉमन सी बात है कि अगर मौतें कम होंगी तो वहां पे पॉपुलेशन क्या होगा बढ़ेगा आरिबस में तो हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और हम लोगों ने एविडेंस देखा कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में ये एकदम क्लियर दिखा है कि कम समय के अंदर किस तरह से आबादी बढ़ा अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या-क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्यों जो है अचानक से आबादी में बढ़ोतरी हुई तो सबसे पहला रीजन क्या दिखता है अवेयरनेस में इंक्रीजमेंट आना बस में अवेयरनेस मतलब क्या जागरूक तो लोगों का अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं इन चीजों को लेके अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे लोग जागरूक हो रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है सोसाइटी में आरी बस में चलिए सेकेंड रीजन क्या हो सकता है और क्या-क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ध्यान से देखिएगा क्या हुआ जो एमएमआर है ठीक है ओके और जो ध्यान से देखेंगे एमएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है मदर मॉर्टेलिटी रेट एकदम ध्यान से देखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है मदर मदर एकदम ध्यान से देखेंगे मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी रेट मदर मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है मदर मतलब माँ और मोर्टिलिटी मतलब होता है मरना डेथ और रेट मतलब क्या होता है दर यानी कि ध्यान से देखिएगा माँ के जो मरने का दर था ठीक है ओके वो क्या हुआ सॉरी मदर मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज नहीं हुआ ये क्या हुआ ध्यान से देखिएगा डिक्रीज हुआ क्या हो गया डिक्रीज हो गया क्या कहने का मतलब जब पहले देखा जाता था आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत बार जब पहले क्या होता था कि माँ जब क्या करती थी किसी बच्चे को जन्म दे रही होती थी तो उस समय क्या होता था कि दर्द के वजह से बहुत सारे कारणों की वजह से जो माँ होती थी उसका डेथ हो जाता था में मदर का क्या होता था डेथ हो जाता था और इसी को हम लोग टर्म करते हैं किससे तो इसको हम लोग टर्म करते हैं मदर मोर्टिलिटी रेट से MMR से और उसके बाद इसी के साथ एक और चीज क्या होता है इन्फेंट 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 रेट 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 क्या होता है रेट. रेट किसको बोलते हैं एकदम गौर से सुनिएगा इन्फेंट मतलब क्या होता है तो इन्फेंट मतलब होता है बेबी नवजात शिशु जिसको बोलते हैं और मोर्टिलिटी मतलब डेथ हो गया और रेट मतलब दर तो आपको क्या लगता है में जो बच्चे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके मरने का जो दर है वो बढ़ा है कि घटा है यानी कि पहले के कंपेयर आज से पचास साल पहले अगर आप देखोगे तो उसमें जितने बच्चे मरते थे प्रसव के समय क्या अब भी उतने ही मरते हैं कि अब कम मरते हैं क्या लगता है तो ये भी क्या हुआ है घटा है तो जो मदर का डेथ रेट है और जो बच्चे का डेथ रेट है ये दोनों क्या हुआ घटा क्यों घटा तो वही बात है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस अवेयरनेस बढ़ा बढ़ा तो वजह से वो जो है मेडिकल फैसिलिटी का एडवांस से एडवांस मेडिकल फैसिलिटी का हेल्प लेना शुरू किए और जिसके वजह से क्या हुआ कि जो मदर का डेथ रेट है और बेबी का डेथ रेट है वो घटा और जिसके वजह से क्या हुआ जब इन दोनों का डेथ रेट घटा तो जिसके वजह से क्या हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोज हुआ आरी बसन में आप लोग को चलिए देखिए और रीजन बताइए आप लोग बताइए दो तो मैंने बताया अब आप लोग बताइए और क्या-क्या रीजन हो सकता है शांतनु कुमार क्वेश्चन आंसर आपका अभी भी होगा ठीक है रासदा बेगम एजुकेशन की कमी यहाँ पे हम लोग का जो है ना टॉपिक है ठीक से समझिएगा टॉपिक है रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन रासदा बहुत अच्छा एक टॉपिक उठाई है लेकिन बहुत तगड़ा टॉपिक है हालांकि वो टॉपिक एक तरह से गलत यहाँ पे लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे बोल रहा है रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आबादी बढ़ने के पीछे का क्या रीजन है तो रास्ता बोली कि एजुकेशन की कमी हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप देखोगे कि जो गरीब लोग होते हैं गरीबी जहां होती है वहां पे दो चीज आपको कॉमन मिलेगा वहां देखना आप कि पॉपुलेशन ज्यादा होगा एजुकेशन कम होगा और जो अमीर लोग होंगे होगा। और हम लोग को लग रहा था ठीक है कि एजुकेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन घटेगा लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ उल्टा ट्रेंड देखने को मिल गया कुछ एजुकेशन बढ़ने की वजह से अवेयरनेस बढ़ गया और अवेयरनेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि पॉपुलेशन बढ़ गया जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि लोग जब पढ़ाई लिखाई करना शुरू किए जागरूक हुए तो उनके अंदर का जागरूकता बढ़ा और उसके वजह से वो अच्छे मेडिकल फैसिलिटी को प्रीफर करना शुरू कर दिए और यहाँ पे क्या हो गया ठीक है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला आरी बस में हाँ ये जरूर है कि आगे आने वाले सौ सालों में अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन जाएगा लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है अरिबस में चलिए बहुत अच्छी बात है फिर उसके बाद क्या है राहुल कुमार अः सर uh, इंग्लिश का क्लास कब से होता है और टाइम क्या है देखिए मैं सारे बच्चों को एक बार बताना चाहूंगा एकदम गौर से देख लेंगे आप लोग सारे बच्चे को मैं अभी आप लोग को बताना चाहूंगा एकदम ध्यान से देखिए आप लोग अभी क्या है मिशन 2025 का होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है क्या चल रहा है होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है और आप लोग को पता होगा कि अभी जो इससे पहले जो हमारी बैचेज थी उसका प्राइस कितना था नाइन हंड्रेड था हालांकि वो ऑफर में होने के बाद नाइन हंड्रेड है और वो जो है नॉर्मल प्राइस में आपको कितना मिलता वन 499 में लेकिन होली में स्पेशल इस ऑफर इसका है और इससे और रिड्यूस कर दिया गया प्राइस को और ये कितना हो गया है 800 और कितना हो गया है तो 899 रुपीस कितना हो गया है 899 रुपीस हो गया है तो इसमें जो है 100 रुपीस को और ज़्यादा रिडक्शन आ गया है

अभी अभी जो है अभी मतलब अभी क्या है कि आज दिन में मैंने जो है करीब करीब जो है चौदह हजार का शॉपिंग किया है में ध्यान से देखिएगा और चौदह हजार के शॉपिंग में मैंने क्या किया है तो मैं आपको बताता हूं बस मैं जो है चार शर्ट खरीदा हजार के शॉपिंग में अब यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं एकदम ध्यान से देखेंगे होता क्या क्या है है कि कि मेरा एक पर्सनल थिंकिंग ऐसा कोई भी चीज जो, को जो मुझे कॉन्फिडेंस देगा और उसके पीछे मुझे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े मैं जरूर करूंगा तो आपका जो लुक्स होता है जो पर्सनैलिटी होती है आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है अगर उससे आप कॉन्फिडेंट फील करते

चाहिए थे में फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो वही बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पे प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स एक लॉन्च किया गया है जिसमें आपको क्या किया जाएगा तो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएंगी और इसके लिए भी आपको जो पे करना होगा जो 999 का है उसके लिए बस पे करना पड़ेगा कितना एट में तो अगर आप भी मेरे जैसे मेंटेलिटी को हो अगर आपको यह लगता है कि अगर ऐसा कोई भी चीज जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो या फिर आपका एजुकेशन हो या कुछ भी हो एजुकेशन में तो डाउट ही नहीं है वो तो आपको पक्का कॉन्फिडेंस फील करवाने वाला है आप भले ही फटे कपड़े में हो लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो ये चीज़ होता है तो अगर आप मेरे जैसे मेंटेलिटी को हो कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है वो एजुकेशन हो या फिर वो ड्रेसिंग सेंस हो तो उसके पीछे आपको कितने भी पैसे खर्च करने पड़े तो आप आंख बंद करके करो तो ये जो स्पीकिंग कोर्स है ये आपको एट हंड्रेड में मिल रहा है और इसमें आपको स्पीकिंग दिया जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग दी जाएंगी फिर उसके बाद एक डायमंड स्पीकिंग कोर्स है तो इस ये जो है आपको अभी फोर हंड्रेड नाइन का है लेकिन ये अभी आपको जो है थ्री हंड्रेड नाइन में मिलेंगे तो ये आपको कितने मिलेंगे 399 में मिलेंगे अभी एक घटना क्या घटा कि आज, आज आपके केमिस्ट्री वाले सर हैं वो गए हम लोग टी शर्ट खरीदने के लिए तो जिस शॉप में हम लोग गए तो वहां पे क्या था कि जो टी शर्ट सर पसंद करे थे उस टी शर्ट का दाम कितना बताया था ठीक है ध्यान से देखिए उस टी शर्ट का दाम जो करीब टू टू के आसपास बताया तो हम बोले कि तो कुछ तो ज्यादा ही ओवर बजट जा रहा है दो का एक टी शर्ट लेंगे हम लोग को लगा कि ऑफर ऑफर होगा उस पर तो बोला कि नहीं सर इस पर कोई भी ऑफर नहीं है ये टू का ही है तो सर को मैंने बोला कि सर आप इसे रहने दीजिए ठीक है मैं

स्पेशल ऑफर्स हैं जिसको डेफिनेटली आप सब लोगों को ग्रैब करना चाहिए और इससे जो है जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रही हैं वो बेनिफिट्स आपको लेने चाहिए और अगर आप इस तरह के किसी भी कोर्सेज को क्या करना चाहते हो ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है क्या है ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप क्या करेंगे कॉल करके जो है आप क्या करेंगे जो भी आपका क्वेरी होगा उसको आप पूछेंगे यहां से आपको प्रॉपर असिस्टेंस दिया जाएगा हेल्प दिया जाएगा तो ये जो नंबर है इसे आप राइट डाउन कर लें नोट डाउन कर लें

तो और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारा जो है ये एक यूनिवर्सल ऐप है ओके ऑनलाइन एकेडमी आप देख सकते हैं कि मेरे टी शर्ट पे है ओके ऑनलाइन एकेडमी इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे ये हमारा एक यूनिवर्सल ऐप है जिसपे आपकी साइंस की क्लासेज आर्ट्स की क्लासेज इंग्लिश की क्लासेज उर्दू की क्लासेज सारी क्लासेज यहाँ पे चलती है हिंदी की क्लासेज सारी क्लासेज चलती हैं और ये एक कॉमन क्या है हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल करके किसी भी कोर्स को क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा जो ऐप ओके ऑनलाइन एकेडमी के नाम से जो मेरे टीशर्ट पे भी प्रिंटेड है इसे आप क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से ठीक है चलिए देखिए तो आई होप कि आपको जो है आपके क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो गया होगा मिल गया होगा ध्यान से देखेंगे <coughs>

न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो बहुत सारी डेथ्स होती थी वो अब नहीं होती है ये सब एक रीजन बना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का और क्या रीजन बना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ध्यान से देखिएगा और क्या रीजन बना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का तो अगर मैं आपको बोलूं कि टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होना या फिर फूड इनहेंसमेंट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये जिसे हम लोग हिंदी में हरित क्रांति भी बोलते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्योंकि कॉमन सी बात थी कि जब क्या हुआ कि फूड सोर्स में इनहेंसमेंट आया तो उसके वजह से फूड इतना ज्यादा अवेलेबल था लोगों के लिए कि लोग जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ आपने कभी सोचा है कि एक आम का पौधा गर्मी के दिनों में ही आम क्यों लगाता है एक लीची का पौधा गर्मी के दिनों में ही लीची क्यों लगाता है तो मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि एक्चुअल में जो ये मैंगो होता है ये जो भी फ्रूट्स है इसका आप देखना कि एक आम के पेड़ में करीब हजारों के नंबर में लगते हैं

और अगर ठंड में वो आम लगाता तो फिर क्या होता या तो प्लांट ही मारा जाता यानी तो जो जो फ्रूट होता वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता क्योंकि ठंड में क्या होता है सनलाइट उतने अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं होता है

एमसीक्यू पे क्या करते हैं मूव करते हैं ध्यान से देखिएगा किस पे मूव करते हैं एमसीक्यू पे मूव करते हैं ठीक है चलिए ध्यान से देखिएगा तो अब हम लोग किस पे मूव करते हैं एमसीक्यू पे मूव करते हैं देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एकदम ध्यान से देखेंगे ज्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं विदाउट एक मिनट भी वेस्ट किए हुए वे जो है जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं और सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर मार्क करेंगे तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन नाइनटीन बोल रहा है कि 1900 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 350 मिलियन से टू बिलियन बिलियन एंड तो बताइए क्या लगता है आप लोग को कि क्या है कि क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके बैठ के कि इतना था ठीक तो तो है राशदा और बच्चे आंसर दीजिए मैं वेट कर रहा हूं ध्यान से देखेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था नाइनटीन में क्या था तो यस बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ओके राशद न्यू हेयर स्टाइल वन का क्या है बी टू बिलियन जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है टू बिलियन दो सौ करोड़ और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हम का? एक है में से में जो कि बहुत अच्छा मेथड है जिसको अप्लाई करके आप गुड हेल्थ पा सकते हो पहला ऑप्शन है प्रॉपर डाइट यानी कि अच्छे से खाना लेना आप लोग एक चीज गौर करोगे कि हम इंडियंस खास करके तीन टाइम का भी खाना ढंग से नहीं करते हैं कभी नाश्ता नहीं करते

सांतनु टू के डी के साथ न्यू हेयर स्टाइल टू के डी के साथ है रासदा टू के डी के साथ है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑल

देती है और इसका नाम रख देती है आरसीएच क्या रख देती है आरसीएच और इसका फुल फॉर्म क्या होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग के जो सर हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं आंसर देने का ठीक है तो बहुत बार क्या हो रहा है कि सही हो जा रहा बहुत बार सर का तुक्का नहीं लग पा रहा है ठीक है 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 ध्यान से देखिएगा तो 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 इसका फुल फॉर्म क्या क्या होता रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ तो क्या है ये हेल्थ केयर केयर तो ये आपको मैंने बताया था कि किन में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है क्या किया था यश राज वेरी गुड वन का बिल्कुल सही आंसर है सी थी, ठीक है ओके तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था फैमिली प्लानिंग के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें उसका गोल क्या था अपने देश के लोगों को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी आपको मैंने पढ़ाया, क्या था उसके लिए वो भी मैंने पढ़ाया आगे चल के उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम बदल के क्या रख दिया आरसीएच प्रोग्राम रख दिया जिसका फुल फॉर्म क्या होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर

इंडिया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि बोल रहा है इंडिपेंडेंस के समय यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत की आबादी कितनी थी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था पहला ऑप्शन है आपका 100 मिलियन दूसरा ऑप्शन है आपका 350 मिलियन थर्ड ऑप्शन है आपका 2000 मिलियन और फोर्थ ऑप्शन आपका 500 मिलियन केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे हैं ए आप लोग बताइए क्या लगता है क्या लगता है तो हमारे 1947 में क्या था आबादी बताइए केमिस्ट्री वाले सर भी वेट कर रहे उनका भी नजर स्क्रीन पे है 1947 में इंडिया का आबादी क्या था मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि आज 23 मार्च है और आज ही के दिन जो है भगत सिंह को क्या किया गया था फांसी दिया गया था उनके दो दोस्तों के साथ तो वहीं पे मैंने बताया था कि इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है देखिए अब केमिस्ट्री वाले सर आपका आंसर देख रहे हो और आंसर देख के बेचारे क्या हो गए शांत हो गए हैं ठीक है ओके ध्यान से देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इट्स बी थ्री 50 आरी में थ्री हंड्रेड फिफ्टी मिलियन तो ये तीन सौ पचास क्या है मिलियन जिसे हम लोग पैंतीस करोड़ बोलते हैं तो उन्नीस में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में हमारे वर्ल्ड हमारे देश की आबादी कितनी थी पैंतीस करोड़

चल रहा है जो कि बस कुछ ही दिनों के लिए है और जैसे ही होली खत्म होगी आपका ऑफर भी क्या होगा खत्म हो जाएगा ठीक है तो आज का जो हम लोग का सेशन है वो यहीं पे क्या होता है खत्म होता है हम लोग फिर मिलेंगे कल एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय एंड गुड